विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र दाखिले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज नामांकन पत्र दाखिले के चौथे दिन कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल होने के साथ ही चुनाव मैदान में कूद पड़े। राजेंद्र शुक्ल ने भाजपा प्रत्याशी के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल किया। राजेंद्र शुक्ल सुबह सबसे पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। राजेंद्र शुक्ल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष और अन्य कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे। राजेंद्र शुक्ल ने विकास के मुद्दों के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल किया और आगामी चुनाव अगर जीतते हैं तो इस वादे के साथ कि क्षेत्र में कई विकास कार्य करेंगे और रीवा को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल के वादे, जिनके आधार पर वो क्षेत्र में जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। देखिए, आमतौर पर तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला होता था, लेकिन देखिए इस बार कुछ दिन और बीते तो समझ में आया किससे मुकाबला है। मुकाबला किसी से नहीं है, सब अपनी जमानतें बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल से हमारे रीवा दर्शन के चीफ एडिटर जावेद अंसारी ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं मंत्री जी ने क्या वादे किए और किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। अभी अभी रीवा के स्थानीय विधायक पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे राजेंद्र शुक्ल जी ने पर्चा दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद वो बाहर निकले हैं। रीवा दर्शन ने उनसे खास बातचीत करने की कोशिश। इस बार क्या मुद्दे होंगे? इस बार तो विकास और शांति व्यवस्था, रीवा में शांति व्यवस्था बनी रहे, गुंडा राज न हो और विकास बिना किसी अवरोध के चलता रहे, ये मुद्दा इस चुनाव का रहेगा। ये बताइए कि इस बार ऐसी कौन सी नई योजना लेके आएंगे? पिछले 15 साल में आपने काफ़ी नए काम किए हैं, इस बार ऐसा कौन सा इसका आपके कार्यकाल में नया काम होगा? इस बार रीवा से बम्बई, दिल्ली और भोपाल के लिए हवाई जहाज उड़ाएंगे। ये अब जैसे कि स्वास्थ्य में यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है और इसके अलावा वो हवाई जहाज ऐसा होगा जिसमें हवाई चप्पल पहनने वाला भी यात्रा कर सके। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि 500 किलोमीटर बहुत सस्ता है, उसमें 50% सीटें केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और जो 50% सीटें हैं उसमें हमारी राज्य सरकार सब्सिडी देगी, तो कुल मिला के 8-10 हज़ार वाला किराया 2-2.5 हज़ार हो जाएगा। ये थे मध्य प्रदेश शासन के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने इस बार कहा कि इस बार सस्ता सुलभ हवाई जहाज उड़ाएंगे जिस पर कि हर आदमी यात्रा कर सके। हवाई चप्पल पहनने वाला भी। महिला उत्पीड़न, देश के अंदर महंगाई, दलितों पर अत्याचार, इस मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक
आप केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के लिए संगठन में काम कर रहे थे, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपको किस तरीके का व्यापक जनसमर्थन मिलेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आज प्रदेश में विरोध चल रहा है और कांग्रेस कहीं की दिख नहीं रही है, उसका लाभ पूर्णतः बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा या पूरी जनता इस समय रीवा की बहुजन समाज और प्रदेश में पूरी लहर है बहुजन समाज पार्टी की ओर। इसके पूर्व टिकट मिलने के पूर्व ये कायस लगा जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं हो पाया, उस स्थिति में आपकी किस तरीके की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जहां तक समझौते की बात थी तो माननीय बहन जी द्वारा और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी द्वारा नहीं बन पाया होगा किसी बात को लेकर। इस पर हमको अगर बात की जाए सिरमौर विधानसभा सीट की, तो यहां से भाजपा प्रत्याशी दिव्यराज सिंह ने पुनः मतदान पत्र दाखिल किया और इसके साथ ही चुनाव मैदान में कूद पड़े। दिव्यराज विकास के मुद्दे के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं और शिवराज सरकार मोदी सरकार के साथ वो क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं वादों के साथ दिव्यराज सिंह नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं अगर बात करें हम कांग्रेस प्रत्याशी की, तो यहां से भाजपा जहां दिव्यराज सिंह को उतार रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अरुणा तिवारी को, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की पौत्र वधू को टिकट देकर मैदान में उतारा है। राजनीति के लिहाज से भले ही अरुणा नई प्रत्याशी हो, लेकिन इन्हें क्षेत्र में भरपूर सहयोग मिल रहा है और जिस घराने से वो ताल्लुक रखती हैं उसका समर्थन भी क्षेत्र में उनको काफी मिल रहा है। क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जनता के बीच में, किन मुद्दों के साथ आप लोग जाएंगे? बिजली, पानी, रोड और जो बेरोजगारी है, किसानों की जो समस्याएं हैं। हमारे साथ सिरमौर से अभी पर्चा दाखिल करके सिरमौर क्षेत्र के विधायक दिव्यराज सिंह कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकले हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं इस बार उनकी क्या प्राथमिकताएँ होंगी। सिरमौर विधानसभा से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मौका दिया, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने पिछले 5 साल के कार्यों को हम इस बार चुनाव में लेकर के चलेंगे और साथ साथ में एक अपना विजन डॉक्यूमेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसमें हमारे विधानसभा में युवाओं के लिए हमने जैसे पिछली बार कॉलेज तराईयांचल में खोला, उस प्रकार से डभौरा बैकुंठपुर में भी हमको अभी कॉलेज अतराइला में ITI की आवश्यकता है। साथ साथ में मेडिकल के लिए हमारे जवा में हमको एक सिविल अस्पताल बनाना है और किसानों के लिए अभी क्योंकि हमारी त्योथर फ्लो की योजना जो हमारी सरकार ने शुरू करी थी उसको हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द 1 साल के अंदर हमारे तराई अंचल में वो शुरू हो जाए, जो हिस्से छूट रहे हैं उनको भी हम बढ़वाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ी चपेट जो आती है एरा प्रथा की, उसको भी हम हमारी सरकार के प्रति रख करके उसको कहीं ना कहीं से सुलझाने का प्रयास करेंगे। आपके क्षेत्र में नील गाय एक बड़ी समस्या है, उसके लिए किस तरीके की कोई योजनाएं? जैसा मैंने कहा कि एक एरा प्रथा पहले से आ गई है, मेरे ख्याल से आज किसान एरा प्रथा से ज़्यादा प्रताड़ित है नील गाय के बनस्पत, तो हम दोनों को हैंडल करने का प्रयास करेंगे। मैंने नील गाय वाली भी बात विधानसभा में काफ़ी बल के साथ रखी थी और अशासकीय संकल्प भी हम लोगों ने लगाया था, साथ साथ में एरा प्रथा के लिए भी हमने लगाया था, तो सरकार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पर हमारा भरोसा है कि वो किसानों के लिए जिस प्रकार से हमेशा कोई ना कोई आपदा अगर हमारे किसानों के ऊपर आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हमारे किसानों के साथ हमेशा न्याय करने की कोशिश करती है और उनको उनकी जो नुकसानी होगी उसको भरपाई करने का पूरी कोशिश करेंगे। आपके क्षेत्र में उद्योग धंधों का बिल्कुल अभाव है, उसके बारे में भी क्या आपकी कोई प्राथमिकताएं हैं, कुछ योजनाएं हैं? देखिए, उद्योग जो अपने विंध्य में खासकर जितने भी उद्योग हैं वो केवल माइनिंग बेस्ड उद्योग हैं। हमारे सिरमौर विधानसभा में चाहे हम कहें, हमारा सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी माइंस की उपलब्धता नहीं है, तो इसलिए माइनिंग नहीं आ पाई है। लेकिन हमारे यहाँ और भी हम लोग कोशिश करेंगे। पहले तो हमने प्रयास किया है कि हमारे जो युवा हैं उनकी अच्छी शिक्षा हो जाए, जिससे कम से कम अशिक्षित या अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। तो युवाओं, आप चाहे जो भी कर ले, कोई भी इंडस्ट्री खोल ले, लेकिन अगर हमारा युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। हमको पहले युवा को अपने शिक्षित करना है और सक्षम बनाना है कि वो रीवा में नहीं, दिल्ली बम्बई या विदेश तक में भी अगर उसकी पूछ होनी चाहिए, उस प्रकार का हमको युवा तैयार करना है। और इस क्षेत्र में भी हमको छोटे छोटे कुटीर उद्योग ला करके अपने युवाओं को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो खुद भी अपने आप में सक्षम हो और साथ साथ में बाकी लोगों को भी रोजगार दें। ये थे हमारे साथ सिरमौर क्षेत्र के विधायक दिव्यराज सिंह, जिनका साफ तौर से कहना था कि शिक्षा स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का शिक्षित नौजवान रीवा नहीं, देश नहीं, विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। देवघर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्यामलाल द्विवेदी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपहसालार होने का दावा भी प्रस्तुत किया। श्यामलाल द्विवेदी एक जमीनी कार्यकर्ता थे, सरपंच होने के साथ ही वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनमें भरोसा जताया और उन्हें अपना विधानसभा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। आइए जानते हैं श्यामलाल, उनके क्या मुद्दे हैं और क्षेत्र में किस तरह से वो इन मुद्दों पर खरे उतरेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। मुद्दों को लेकर लड़ने का काम करने की विधि भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 वर्षों में निरंतर जारी किया है। पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों के अनुसार जो नीतियां क्रियान्वित किया है उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं निरंतर काम करता रहूँगा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बच्चियों के क्षेत्र में, नौजवानों के रोजगार के संबंध में, कृषि के क्षेत्र में, ऐसे ये काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। जहां दूरस्थ गांवों में धोखे से स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पाई है, शिक्षा सुविधा में कोई दिक्कत है, कठिनाई है, उसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। मंडवा विधानसभा की बात करें तो मंडवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पंचूलाल प्रजापति ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व विधानसभा चुनाव में पंचूलाल की टिकट कट गई थी, जबकि उनकी पत्नी पन्नाबाई को टिकट दी गई थी, लेकिन कम अंतरों से उनकी हार हुई। इसी के चलते पुनः भारतीय जनता पार्टी ने पंचूलाल प्रजापति को पुनः मौका दिया और मैदान में उतार दिया। पंचूलाल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं मंडवा से भाजपा जहां पंचूलाल को मैदान में उतार रही, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपनी विधायिका को पुनः मैदान में उतारा है। आज शीला त्यागी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये विचार की है कि इस बार पंचूलाल प्रजापति को वहाँ से मनगवा से लाएं, इस कारण से मुझे संबल दी है और विधायिका जी को अगली बार तो दी थी, थोड़ा कुछ ही कमों मतों से वो हार गई थी और इस बार पार्टी का ये सोच था कि पंचूलाल जी को दे और ताकि वहाँ से भारी मतों से विजयी होकर के और आए। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? अभी तो मनगवा विधानसभा क्षेत्र में
जब मेरी श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति थी, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। जैसे वहाँ कॉलेज नहीं था, वो कॉलेज लाई, वहाँ नहर की जाल बिछ गई, सोनारती माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की वजह से हुआ। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। पाँच साल हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे सुंदरलाल तिवारी, टैंकर में कमीशन खाया। यही हाल हमारे नागेंद्र सिंह जी थे, 15 साल इस गुड़ क्षेत्र से विधायक, विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, इस बार गुड़ क्षेत्र में क्षेत्रीय बात चल रहा है, बाहरी हटाओ गुड़ बचाओ का नारा लग रहा है। क्षेत्रीय नौजवान हमारे बम्बई दिल्ली में पलायन करने जा रहे हैं, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, सारे नौजवान एक तरफ फेक हो चुके हैं और गुड़ क्षेत्र में झाड़ू पूरी तरह से लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी की जमानत जब्त होने जा रही है। देवतला विधानसभा से गिरीश गौतम पुनः भाजपा के प्रत्याशी के रूप में तीसरी बार नामांकन पत्र दाखिल करने आए। इसके पहले गिरीश गौतम विधायक चुने गए थे और दोबारा उन्हें देवतलाव से ही मौका मिला और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने गिरीश गौतम को वहां से अपना प्रत्याशी बनाकर मौका दिया है। गिरीश गौतम ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद रहे। लोक कल्याण विकास के नहीं, कुछ तो मुद्दे होंगे, कुछ तो काम अभी अधूरे रह गए होंगे। बहुत काम तो अधूरे रहे आते हैं, जैसे देवतलाव को नगर पंचायत बनाना और स्वास्थ्य की सुविधाओं को और तेज़ी से बढ़ाना, ये है। और कुछ सड़कें रह गई उनको ठीक करना, यही है मेन। सबसे बड़ा काम जो हमारे यहाँ होने जा रहा है वो नई गढ़ी माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट का है। रीवा दर्शन की टीम आज सुबह से ही विशेष कवरेज में लगी रही। यहाँ एडिटर इन चीफ के साथ ही हमारे सभी चैनल के प्रतिनिधि कलेक्टेड में मौजूद रहे और नामांकन पत्र दाखिले के हर एक बूथ पे उन्होंने अपनी नजर रखी। आइए जानते हैं जावेद अंसारी के साथ ही वहां पर मौजूद विशेष संवाददाता सादाब सिद्दीकी ने क्या कुछ खास देखा। निर्वाचन प्रक्रिया के चौथे दिन धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित भाजपा के सभी नेताओं ने फॉर्म भरा है। वहीं कांग्रेस के मऊगंज विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी। रीवा दर्शन के लिए सादाब सिद्दीकी। इस समय हम कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, हमारे साथ त्योंथर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, आपकी प्राथमिकताएं इस चुनाव में क्या है? हमारी प्राथमिकताएं चुनाव में जो हमारे क्षेत्र की समस्या सबसे बड़ी है वो है पेयजल और नहरों का पानी किसानों को बेहतर पहुँचे। 100 बिस्तर का अस्पताल जो पिछले 23 साल से मंजूर है वो उसका निर्माण हो और शिक्षा व्यवस्था को खासतौर से लेकर हमारे यहाँ जो जनसंख्या के हिसाब से छात्रों और छात्राओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे वो कार्य स्तर का हो। हमारे यहाँ कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है आज़ादी के बाद, आज नहीं मिल पाया। और हाई सेकेंडरी स्कूलें जो बच्चों की संख्या है उस हिसाब से उनका नए भवन नए विद्यालयों का नहीं बन पाया, वो हमारी प्राथमिकताओं में आएंगी। आपके यहाँ उद्योग धंधों का क्या हाल चाल है? बहुत बुरा हाल है, कोई उद्योग धंधा हमारे यहाँ नहीं है और हमारे यहाँ पर नहीं, पूरे ज़िले में जो उद्योग धंधे यहाँ से 25 साल 30 साल पहले स्थापित हुए थे वही है। नया कोई सरकार में 15 सालों में कोई उद्योग धंधा स्थापित हुआ, जबकि हमारे यहाँ उद्योग मंत्री राजेंद्र उद्योग मंत्री हैं, खनिज उनके पास था, जनता ने बहुत बड़ा अवसर दिया इस जिले की जनता ने, लेकिन पूरी तरह से इस मामले में उपेक्षा ही नहीं है युवा जिले की जनता। आप पिछला चुनाव भी लड़े थे, उस समय वहाँ पर रमाकांत तिवारी जी विधायक हुआ करते थे, वो मंत्री भी थे। आपका कहना है कि पिछले 23 साल से अस्पताल नहीं था, आपकी पहली प्राथमिकता क्या स्वास्थ्य ही होगी? निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और बिजली, ये जो मूलभूत जरूरतें हैं जो हमको मौलिक अधिकार मिले हमारे संविधान में, वो हमारी प्राथमिकताओं में तय करती है। ये थे हमारे साथ त्योंथर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी रमाशंकर सिंह, जिनका साफ तौर से कहना था शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धंधे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को हमारे यहाँ के लोगों ने काफ़ी अवसर दिया, उन्होंने इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ। मेरी चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता यही होगी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी, रीवा दर्शन से बात करने। विधायक सुखेंद्र सिंह जी हैं,
अभी आपने अपना पर्चा दाखिल किया है, पर्चा दाखिल करने के बाद रीवा दर्शन से उनसे खास बातचीत करना चाहता है, इस बार क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? इस बार आपको पहले से भी पता होगा और मेरा मऊगंज जिला बनाने की मांग और बाण सागर का पानी और जो मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पूरी तरह से चौपट हुई है उसको सुधारने के लिए, वही इस हालत हमारे मऊगंज में उसको सुधारने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मऊगंज के मान सम्मान बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इन 5 सालों में हमने बढ़ाया है उसको बढ़ाने के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मेरा प्रयास रहेगा। पिछली बार आपने घोषणा की थी कि अगर जिला नहीं बनाया जाएगा मऊगंज तो हम मुख्यमंत्री को नहीं घुसने देंगे, मुख्यमंत्री ने क्या इसी डर की वजह से जन आशीर्वाद यात्रा आपके क्षेत्र में नहीं निकाली? ये तो पूरा जिला पूरा प्रदेश जानने लगा कि मुख्यमंत्री मेरे डर से नहीं आया मऊगंज, और इसी कारण अगल बगल वो आए और समझ रहे थे कि वहाँ जाएंगे तो जिला, इसलिए वो आए नहीं। इसलिए अब कोई बताने की बात बची नहीं है और मैं समझता हूँ कि अगर मऊगंज की जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद स्नेह रहेगा तो आने वाले समय में मऊगंज जिला के रूप में जाना जाएगा। जैसा कि सुखेंद्र सिंह जी का साफ तौर से कहना है कि इस बार हर हालत में जिला बनेगा और उन्हीं के डर की वजह से मुख्यमंत्री ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा मऊगंज में नहीं ले गए। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। हमारे साथ मौजूद हैं सिमरिया से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पंकज जी, ये जानते हैं इस बार उन्होंने फॉर्म भरा और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर वो जा रहे हैं। जी धन्यवाद। फिर से फॉर्म भरा है, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ जो प्रमुख मुद्दे हैं, सिमरिया को ब्लॉक बनाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा पेयजल की समस्या पहाड़ी इलाका होने के कारण जरमोहरा बांध है, जरमोहरा बांध में जो है तो बरगी का पानी लाना है, और तीसरा जो है अपने यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लेके जो है तो सिमरिया में बहुत बड़ी समस्या है, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो ये 3 मुद्दे जो है तो अहम हैं। और इसके अलावा जो है तो शासन और प्रशासन में जो की जो काम होते हैं जनहित के ये तो सब होते रहेंगे, लेकिन ये 3 मुद्दे लेके हम जो है तो जनता से जो है तो वोट मांगने का काम कर रहे हैं। पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे तो जनता के बीच क्या कमी रह गई जो इस बार आप दूर करेंगे? जनता के संघर्ष हम 5 साल किए हैं, संघर्ष के आधार पर ही जो है तो हम जीत को लेकर आसान भी थे कि जनता के बीच में हम काम किए हैं तो जनता हमको जो है तो अपना आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पंकज जी जिनका मानना है कि इस बार जनता का सहयोग उन्हें मिलेगा। रीवा दर्शन के लिए शादाब सिद्दीकी। चुनाव में जा रहे हैं, मुद्दे तो हमारे बहुत से, सबसे पहला मुद्दा है सामंत शाही व्यवस्था को समाप्त करते हुए पूंजीवाद नष्ट कर दिया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए आज भी इस लोकतंत्र में बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बंगलों में जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों की और वहाँ से पद ग्रहण बनाते हैं और हम लोग परेशान रहते हैं यहाँ नौकरी के पास, क्या है ये? आपकी लड़ाई किससे है, कौन सामंत शाही व्यवस्था से है? किस पार्टी को आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? हम प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? जो हमारे सामने आएगा। कौन कौन है आपको? हमारे सामने है बहुजन, कांग्रेस, बीजेपी। इस बार क्या लग रहा है आपको? ये यार लग रहा है कि हम चुनाव जीत ले, अब निकाह के खा रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर त्रिवेणी प्रसाद मैत्री जी जिन्होंने मनगवा विधानसभा से कांग्रेस का पर्चा आज फॉर्म भरने के लिए खरीदा है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस ने अभी मनगवा से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, आइए सीधे उनसे बात करते हैं, उन्होंने पर्चा खरीदा है। जी बताएं आपने पर्चा खरीदा है आज? जी हाँ, आज हमने मनगवा विधानसभा के लिए पर्चा खरीदा हूँ कांग्रेस पार्टी के, और अभी हम लोगों का अभी रुका हुआ है और हाई कमान जो निर्देश देगा उसको हम लोग उसी फॉलो करेंगे। अगर आपको पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं करती क्या उस स्थिति में भी आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं,
पार्टी का मैं निष्ठा से काम करूंगा, पर्चा है तो वापस जिस दिन होगा वापस कर लेंगे, लेकिन पार्टी का काम करेंगे, ऐसे हाई कमान का जो निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। जैसा कि आपका साफ तौर से कहना है कि हमने पर्चा खरीदा जरूर है, लेकिन पार्टी का निर्णय ही अंतिम होगा। पार्टी का निर्णय अगर होगा, चुनाव लड़ने का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी कहती किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाएगी तो उसका हम लोग प्रचार करेंगे। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। उसके लिए मैं अपन जो था पिछला चुनाव भी हम 2013 में चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी हमने अप्लाई किया हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी नेता हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी अगर यदि आदेशित करेंगे, अपन को उम्मीदवार घोषित करेंगे, मैं बराबर लड़ूंगा। अगर यदि नहीं करते हो तब भी हम कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोमेश्वर जी। मैं आपको बता दूं, सपाक्स जिसका अभी कुछ दिन पहले ही जन्म हुआ है, आप किन मुद्दों पर इस बार रीवा से पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं? हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा एट्रोसिटी एक्ट और गरीबी के आधार पर आरक्षण देना, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको आरक्षण मिले, जातिगत आरक्षण देश से समाप्त हो, यही हमारा मुद्दा रहेगा। और इस बार वोटर खुद चुनाव लड़ रहा है, इस उद्देश्य से मैं लड़ रहा हूँ, ना कि प्रत्याशी। आपका साफ तौर से कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जनता ने समर्थन नहीं दिया आपको, मन माफिक आपके प्रदर्शन आपकी पार्टी नहीं कर पाती है प्रदेश में, तो क्या भी आपका उसके बाद भी लगातार ये एक्ट के खिलाफ जारी रहेगा आपका आंदोलन प्रदर्शन? हमारा मिशन चालू रहेगा, जनता हमारे साथ है और जनता हमारे साथ है, जनता के समर्थन को देखते ही सपाक्स पार्टी का गठन किया गया है और ये मिशन जब तक आरक्षण देश से समाप्त नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। जैसा कि आपका साफ तौर से कहना है कि यह मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक देश से आरक्षण समाप्त नहीं हो जाता। अभी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश में, या यूं कहें पूरे देश में, एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुआ था, शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस पार्टी का गठन किया गया है। निश्चित रूप से उस मुद्दे पर आपको जन समर्थन, ऐसा लगता है कि जन समर्थन मिलना चाहिए। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। नामांकन पत्र के चौथे दिन आज कुल 44 फॉर्म खरीदे गए, जबकि 17 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव से जुड़ी हुई समस्त खबरें हम रीवा दर्शन में सबसे पहले लेकर आएंगे। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप रीवा दर्शन की समस्त खबरें देखें और एक छोटी सी छोटी खबर भी आपको चुनाव से जुड़ी हुई समस्त पहलुओं पर हमारे संवाददाता नजर रखेंगे। आपसे अपील है कि आप वोट देना ना भूलें, आदर्श आचार संहिता का पालन करें। आज बस इतना ही, नमस्कार।